हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। शेट्टी साहब देख लो, फोन की बनाई हुई लाइनें व्यस्त आ रही हैं। राइटर ने इतनी लाइनें लिखी, उनको काम नहीं मिल रहा। मैंने 1.5-2 लाख लाइनें लिखी कम से कम। अब आप सोच सकते हो मैं कितना बड़ा राइटर हूँ। हम लोग खानदानी राइटर हैं। मेरे पिताजी बहुत बड़े हलवाई थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जलेबियां बनाते थे ना, एक दर्जन में सिर्फ 3-4 ही आती थी। अब देख लो क्या नौबत आ गई, मैं दुकान खोल के बैठा हूँ। शेट्टी साहब ग्राहक बड़े आते हैं लेकिन बिक्री नहीं होती। वैसे ही जैसे रावण की चर्चा हर कोई करता, देखने कोई नहीं जाता। हे भगवान, मेरे भी कोई कस्टमर भेज, मेरी स्क्रिप्ट खरीदे कोई। एक्सक्यूज मी, आप स्क्रिप्ट बेचते हैं? जी बेचता तो टैलेंट हूँ, सब स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट कहते हैं। वाह क्या लाइन बोली है। बस जी, राइटर का यही पंगा है, पंचनाना है, स्टायर लिख देते हैं। समझ में आता है तो रोहित हंस देता है, नहीं आता तो अर्चना हंस देती है। वाह क्या लाइन बोली है। अच्छा ज्यादा पसंद है तो किसी ले सकती हैं आप। नहीं, मेरे कहने का मतलब वाह वाह हर कोई दे देता है मैडम, अगर नहीं मिलता तो कलाकार को पेमेंट ही नहीं मिलती मैडम। वाह क्या लाइन बोली है। तुम भी कोई लाइन बदल लो। शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जिसे बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। आमिर खान के बाद मेरा भी अवार्ड फंक्शन से मन उठ गया। अब तुम्हारे पास कोई स्क्रिप्ट है तो बोलो, नहीं तो मैं कहीं और से ले लूंगी, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। अच्छा मैडम, मैंने सुना मार्केट में 500 का नोट नया आया है, है तो दर्शन ही करा दो। तुमने अब तक 500 का नोट नहीं देखा? 500 का नोट? मेरी कल 4 स्क्रिप्टों की पेमेंट आई तब जाके मैंने 100 का नोट देखा है। अब आप पैसे दे रही हैं, स्क्रिप्ट तो लिखनी पड़ेगी। मैडम पेन है आपके पास? तुम्हारे पास पेन नहीं है? मैडम मैं राइटर हूँ, ड्राइवर थोड़ी हूँ। कैसे राइटर हो तुम? मुझे तुमसे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मैं ठाकुर से ले लूंगी। बेवकूफ लड़की, ठाकुर की स्क्रिप्ट तो हम लोग कर रहे हैं। शेट्टी साहब ये क्रिएशन टीम वाले बड़े चलाक है, हमें कहते हैं स्क्रिप्ट एक्सचेंज राउंड है। स्क्रिप्ट दे दी ठाकुर की, सलोनी दी नहीं, अब स्क्रिप्ट एक्सचेंज इनके लिए हुआ ना, हमारे लिए तो इलिमिनेशन राउंड है ना। खैर शेट्टी साहब, कॉमेडी तो आपको सारे करके दिखाते हैं, मेरा दिल कर रहा है मैं गाना सुनाऊं। ये कौन है कृष्णा के रिश्तेदार, सीरियस गाना देख के डांस निकल रहा है इसका। अरे वाह तुमने मुझे पहचान लिया, मैं कृष्णा की भाभी बिल्लो, लैरी पादी दी वाइफ। किसकी? लैरी पादी दी वाइफ। हाँ कितनी बार कहा है जब लाफ्टर आ रहा हो फिर ना बोला करो। आप क्या इधर कर रही बताइए? मैं अपने पति को ना चिट्ठी लिखवाने आई हूँ। मैंने तो सुना था लैरी साहब ही पढ़े लिखे नहीं, आपका भी यही हाल है। और नहीं तो क्या, हम दोनों को एक दूसरे में यही चीज तो अच्छी लगी थी। बताइए बताइए क्या लिखना है उनको? लिखो प्रिय जी। प्रिय जी? जी जी हाँ जी, वो मैं अपने पति का नाम नहीं लेती। क्या संस्कार है, आय हाय 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 हाय, क्या संस्कार है। एक मेरी पत्नी है, दिल करता साली का अंतिम संस्कार कर दूं। भाभी जी आपकी तरफ से डार्लिंग लिख दूं उनको, अच्छा लगेगा? हाँ जी हाँ जी लिख दो। प्रिय लहरी डार्लिंग, आजकल तुम्हारी एक्टिंग में मजा नहीं आ रहा। हाय मैंने कभी ये बोला? आपने तो नहीं बोला, प्रोग्राम तो हम भी देखते हैं ना। आजकल तुम मेरे बिना तुम्हारा मन नहीं लग रहा। मेरे बिना नहीं, तुम्हारे बिना मेरा। तो वही लिख दो। भाभी क्यों झूठ बोल रही हो, कल मैंने आपको पड़ोसियों के बबलू के साथ देखा है। अब आगे लिखो। हाँ जी सुनो जी, थोड़ा जल्दी आ जाओ। कहने की जरूरत नहीं भाभी, जैसा काम कर रहे हैं 2-4 दिन में खुद ही आ जाएंगे। तुम्हारी पार्टनर कौन सा अच्छा कर लेती है, एंट्री उसकी टाइम पे होती नहीं, कैरेक्टर सारे सेम करती है, अरे म्यूट राउंड में भी फंबल कर जाती है। शेट्टी साहब कहते शेर के मुंह को खून लग जाए ना वो बाज नहीं आता, इसके मुंह को बेइज्जती लग गई है। चलो चलो आगे लिखो। क्या? परसों मेरे पास सुरिंदर आया था, मैंने उसके हाथ कुछ लड्डू भिजवाए थे, उम्मीद है आपको मिल गए होंगे। ओए 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 क्या लड्डू थे भाभी जी, मैंने भी खाए, बड़े टेस्टी लड्डू बनाती हैं आप। इनका तो शुरू से ही ऐसे है, सबके साथ मिल बांट के खाते हैं। मिल बांट के कोई नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं, मैंने तो सुरिंदर से लिए। ये 8-8 रुपए में बेच रहा था। मुझे कह रहा था पैसों की जरूरत है,
छोटे वाले तबले के लिए निक्कर लेनी, वो नंगा घूमता रहता है। बेड़ा घर को तेरा। अच्छा ये चिट्ठी उन तक जल्दी पहुंचा देना, मैं चलती हूँ। हाँ हाँ, तुम जाती ही अच्छी लगती हो। शेट्टी साहब, मैंने कहा था ना मेरे पास ग्राहक बड़े आते हैं, बिक्री नहीं होती, क्या करूँ मैं, इतनी गरीबी है, मेरी तो ऐनक में शीशे भी नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना, अब हो जाएगी। अरे राइटर मैं हूँ, तू क्यों मुँह छुपा रही है? मैं प्रोड्यूसर हूँ। हैं? प्रोड्यूसर हूँ मैं। तो मुँह की छुपा रही, गंदी फिल्मों की प्रोड्यूसर हो? नहीं नहीं। बताइए मैडम, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? मुझे आपसे एक हिट फिल्म लिखवानी है। मैं लिखता ही हिट हूँ। मैं सीनियर कलाकार हूँ, लोग मेरा कहना बड़ा मानते हैं। मैं तो सड़क पे लिख देता ना दाएं मुड़ो, तो दाएं मुड़ते बाएं मुड़ते नहीं। सड़कों पे लिखा होता ना यहाँ पे एक नंबर करना मना है, वो भी मैं ही लिखता हूँ। लेकिन वो तो कोई नहीं मानता। मैडम मानने की बात ही नहीं है, बात ही कंट्रोल करने की है। वो जिसका हो जाता है वो मान जाता है, जिसका नहीं होता वो नहीं मानता, मैं क्या करूँ। मैंने एक फिल्म लिखी है, फिल्म शुरू होती है, शुरू में मैंने क्लाइमैक्स का सीन डाला है। शुरू में क्लाइमैक्स? मैडम आदमी फिल्म देखने क्यों जाता है? फिर क्लाइमैक्स अच्छा हो, तो मैंने शुरू में लिख दिया, क्या बुरा किया मैंने? तो बाकी दो घंटे पब्लिक क्या करेगी? मैडम जो जोड़े इतनी दूर से हॉल में घुसे हैं वो भी तो कुछ ना कुछ करेंगे कि नहीं? अब एक फिल्म लिखने का कितना लेते हैं? मैडम आप जैसी खूबसूरत लड़की से क्या लेना है? पैसे तो मैं यश चोपड़ा से लेता हूँ, 15-20 लाख रुपए एक फिल्म का। कौन कौन सी फिल्में लिखी हैं आपने? ये दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, साजन अपना, फिर ये शोले जब लिखी थी मैंने, कच्चे शोले लिखी थी मैंने, वो पकते पकते ऐसे पकी आज तक उसके पैसे आ रहे हैं। 4-5 करोड़ तो ऐसे ही बैंक में आ गया। मैं तो सोच रहा हूँ कोई घूंघट वाली लड़की मिले उस पर खर्च करूँ मैं। मैं तो सोच रहा हूँ ये दुकान तुड़वा के इधर मॉल बनवा दूँ, इधर मैं ऐसा मॉल। तुम बच्चों को छोड़ के तुम इधर क्या कर रही हो घर छोड़ के? साले 4-5 करोड़। नया कच्चा खरीदने के तो पैसे है नहीं तेरे पास। बड़ा है मॉल बनवाने, तू घर चला जा। मॉल बनवा लूंगा मैं, कच्चे का क्या, कच्चा तो लोन लेके भी ले सकते हैं। मेरी बात सुन, घर पे क्यों लेके जा रही है? अरे तेरा ऐसा दी एंड करूंगी ना घर पे, तू कहां। मेरी बात सुन, इधर एंड करेगी 4-5 नंबर मिल जाएंगे, उधर क्या मिलेगा टट्टू? इधर करते हैं एंड, इधर देख एंड पता कैसे करते हैं। शेट्टी साहब सॉरी। थैंक यू बोलना, जब ऐसा एक्ट करो सॉरी बोलते हैं। तो अर्चना आप इस राइटर से कुछ लिखवाना चाहेंगी? अगर ऐसा एक्ट करो तो क्या होता sorry. है सॉरी, तो मैं भी कहना चाहूंगी कि सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन ये एक्ट उतना बुरा नहीं था जितना आपने कहा या सोचा। शुरू शुरू में एनर्जी मुझे कम लगी आपकी भी, बट आई क्वाइट एंजॉय द एक्ट। थैंक यू मैम। रोहित, जो लेटर राइटिंग वाला पोर्शन था दैट वाज द बेस्ट, और वहीं से एक समा बन गया कि हाँ भाई ये एक्ट को देखा जाए और एंजॉय किया जाए। ओवरऑल इट वाज एन ओके एक्ट फॉर मी। थैंक यू सर। थैंक यू। कोर्स प्लीज। थैंक यू सो मच। 9 पॉइंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 8 पॉइंट्स। पार्वती और कपिल को मिलते हैं 17 पॉइंट्स। थैंक यू। कृष्णा सुदेश हर स्क्रिप्ट को बना देते हैं बेस्ट। देखिए आज किसकी स्क्रिप्ट लेती है उनका टेस्ट। मेरे को कोई ऐसा वैसा मोबाइल मत समझना, मैं ब्लैक लहरी हूँ, ब्लैक लहरी। शकल से बोला दिखता हूँ, अंदर से इतना गंदा हूँ ना मैं। शादी कर ले मेरे से, मैं बोल रहा हूँ। अबे जाजा, अगर ऐसी बात है तो अब तक बिका क्यों नहीं? ऐसे कस्टमर की वजह से नहीं बिकता मैं। परसों दुकान पे मोबाइल लेने चला गया, हाथ में पकड़ के बोलता कितने का, दुकानदार कहता 25,000 का, बोलता इतना महंगा, बोला नया है सेकंड हैंड थोड़ी है, दूसरे हाथ में पकड़ के बोलता अब तो हो गया ना सेकंड हैंड। देखिए कृष्णा और सुदेश इस स्क्रिप्ट को कैसे रिचार्ज करते हैं, प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। थैंक यू कस्टमरों, थैंक यू। शेट्टी साहब आपको एक बात सुन के बड़ी खुशी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं होगी, क्योंकि आजकल इनको हमारे पंच सुन के खुशी नहीं होती, ये तो फिर एक बात है। मैं शादी कर रहा हूँ,
आपके मोबाइल की छोटी बहन सिम से तालियां। देखो आप भी आशिक हो, आप भी आशिक हो, सोचो कि कुछ बातें शादी से पहले क्लियर हो जानी चाहिए ना। मैंने सिम से पूछा, मैं कहा देखो सिम डार्लिंग, तुम पहले किसी से प्यार तो नहीं करती? कहती नोकिया। मैं कहा कमाल यार, मेरी तो लॉटरी लगी यार, करेक्टलेस नहीं है ये। मैं मोबाइल हूँ, मेरी भी कोई जिंदगी है यार, है पता नहीं किस किस के हाथ में मैं आ जाता हूँ। एक बार मैं अर्चना जी के हाथ में आ गया, मुझे आज भी याद है। परमु, माय गॉड, परमु कहाँ हो तुम? मेरा मोबाइल का रख दिया तुमने, माय गॉड कितने सारे नंबर थे मेरे उसमें, दो तीन तो काम के भी थे। परमो परमो भूकंप आ गया परमो। ओ मैडम भूकंप नहीं, मैं वाइब्रेट पे लगाऊं। ओ माय गॉड, ओ तू यहाँ सोफे के नीचे था? मैंने कहाँ नहीं ढूंढा तुझे, एक मिनट दिखा, कोई फोन वोन तो नहीं आया? मैडम इधर क्या देख रहे हो, मैं मुंह से बोल रहा हूँ ना, मेरे से पूछो। कोई कॉल वॉल तो नहीं आई? मैडम कॉल नहीं, कोले आई है, कोले। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी मैं बिजी बहुत हूँ ना आजकल। कॉले तो आई, किसकी कॉल आई बताओ? मोबाइल वालों की आई है, कहते आज शाम तक अगर बिल नहीं दिया तो आपका कनेक्शन काट देंगे। क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैंने कल ही अपने क्रेडिट कार्ड से अपने मोबाइल का बिल भरा है। तो क्रेडिट वालों का भी फोन आया था, कहते अगर आज शाम तक पूरे पैसे जमा नहीं कराए तो वो रिकवरी वाले आएंगे, फिर वो जो करेंगे फिर हमारा जुमाने। oh my God, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, लगता है विपुल को फोन करना पड़ेगा। हेलो। हाय हाय विपुल, 35,000 के मोबाइल से अर्चना बोल रही हूँ। ये अर्चना कौन? माइंड ब्लोइंग। ओह अर्चना जी कैसी हैं आप? मैं एकदम मजे में नहीं हूँ, मुझे तुमसे पैसे की बात करनी है। अरे अर्चना जी पैसे की क्या बात करनी है, इस बार जो शूटिंग हुई है कितना खा गई आप? ज्यादा ज्यादा 1.5 लाख के बर्गर खाए हैं, पैसे फिर कभी दे देना। मैं तुमको थोड़ी देर में करती हूँ, अब मुझे कोई अर्जेंट फोन आ रहा है। किसका? सुरेंद्र का। ओह माय गॉड सुरेंद्र, देख तेरा नाम लेके बच गई मैं। अर्चना जी देखो ये लड़की क्या बोल के गई है, कहती सुरेंद्र का नाम लेके बच गई, इसको ये नहीं पता इसका नाम लेके तो बड़े बड़े एक्ट बच जाते हैं। भाई सलाम है जी आपको। शेट्टी साहब आपको नहीं पता एक बार मैं आपके पास भी था। शेट्टी साहब कमाल है यार, मैं आपसे इधर से बात कर रहा हूँ आप इधर से आ गए हो। प्यार ही होता जी। अरे मेरा मोबाइल कहाँ है, मेरा मोबाइल तो, मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे शूटिंग पे जाना है। क्या बात है, मोबाइल तू मेरे पास खुद ही चल के आ गया? यार कमाल है, आपकी फिल्में इतनी चल रही हैं तो मोबाइल नहीं चल सकता? शेट्टी साहब एक बात कहूँ, मैं कहना तो नहीं चाहता लेकिन फिर भी कहनी पड़ेगी। क्या हो गया, ऐसे क्यों चल रहा है? कैसे चलूं यार, भाई आप बताओ, जिस इंसान की एक किडनी निकाल ली जाए वो सही चल सकता है? नहीं ना, मैं डबल सिम वाला मोबाइल था, इन्होंने मेरा एक सिम निकाल लिया, अब मैं सिंगल सिम से कैसे चलूं यार? मेरी बात सुन, जब मैं दो पहियों पे गाड़ी चला सकता हूँ तो तू एक सिम से खुद नहीं चल सकता? शेट्टी साहब आपको एक बात की बहुत खुशी होगी कि इस बार हमने कुछ नया किया, हर बार स्टैंड अप बीच में करते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, इसलिए मैंने स्टैंड अप करना ही नहीं, हम वैसे ही वेट करते हैं, आप उतनी देर हंसते रहो। हेलो 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 पाजी, पाजी आप रो क्यों रहे हो? मैं रो नहीं रहा, मैं तो खुश हूँ, मैं भंगड़ा कर रहा हूँ। भंगड़ा? पाजी मैंने ना नया मोबाइल ले लिया है। मैं तो पुराना पुराना हूँ, मुझे आपने पुराना खरीदा है।
पाजी मेरा और राजीव ठाकुर का एक ही जैसा है। यू नो हम पुरानी चीज को नया बोल बोल के हिट कर देते हैं। पाजी हाँ जी मैं नया मोबाइल लिया ना, मैंने इनॉग्रेशन करना है। ओ यार पाजी पहले मेरे को रिचार्ज तो करा लो। पाजी यू नो सारे पैसे आपको खरीदने में खर्च हो गए, पूरे 150 रुपए। पाजी फोन लगाना एक ही जगह फ्री में लग सकता है, कस्टमर केयर में। थोड़ा फोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मेरे कपड़े धोने वाली बाई नहीं आई है, आप आ जाओ। देखिए भाई साहब मेरे साथ टाइम पास मत करो। तो आप कर लो ना मेरे साथ। तो ठीक है हमारे पास कुछ नई हेलो ट्यून्स आई हैं, सुनना पसंद करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए ना। एक दबाओ। तो अर्चना कैसा लगा आपको ये मोबाइल, यानी कि हमारे ब्लैक लहरी का मुखड़ा? सुदेश हालांकि आप अभी भी आई नो कि आपकी तबीयत अभी भी नासाज है, लेकिन आपको स्टेज पर देखकर बिल्कुल नहीं लगता। यू हैव द सेम एनर्जी, ऑफ कोर्स टैलेंट तो है ही आपका, और आप दोनों जो भी करते हैं वो बहुत ही कमाल का करते हैं। आई रियली थर्ली एंजॉयड बोथ ऑफ यू। इट वाज अ डीसेंट एक्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट वॉज अप टू मार्क, बट जिस तरह से आज पूरा एपिसोड गया है उस चीज को ध्यान में रखते हुए इट वॉज अ नाइस एक्ट। तो जजेस क्या स्कोर देना चाहेंगे आप इन्हें? आज जिस तरह से मैं मार्किंग कर रही हूँ उस हिसाब से दिग्गज स्कोर 9 points। और आज जिस तरह से मैं मार्किंग कर रहा हूँ 8 points। राजीव को बहुत बदनाम किया जाता है किसी दूसरे के पंचेस चुराने के लिए, आज तो उसे किसी की पूरी स्क्रिप्ट मिलने वाली है। देखिए किसकी स्क्रिप्ट मिलती है उसे। आधी रात को जब मेरा बच्चा रोता है तो मैं इसे कहती थी सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा, और ये झट से सो जाता था। अब तो गब्बर चले गए, मेरे बच्चे को कौन सुलाएगा? हे भगवान मुझे आज पता चला कि आधी रात को गब्बर बच्चे सुलाने जाता था। अब इसे किसका नाम लेकर सुलाऊंगी मैं अर्चना? अरे अरे अर्चना का नाम लेते ही चुप कर गया। अब देखें राजीव और सलोनी गब्बर की मौत को फिर से जिंदा कर पाते हैं या नहीं। जोरदार तालियां राजीव और सलोनी के लिए। सत श्री अकाल। गाना तो मैं पंजाबी में भी बजा सकती थी लेकिन छोले का एक्ट है, मैंने कहा फीलिंग शुरू में आ जाए तो अच्छी बात है, इसलिए आप दोनों को मेरा सच्चे दिल से। गब्बर की बीवी वैसे भी लोग मानते नहीं है ना, ऐसे मनाना पड़ता है। मेन बात बताना तो भूल ही गई, आज गब्बर नहीं रहा, मैं अकेली रहूंगी और तू भी। रोहित जी अभी भी हंसी नहीं आई, कॉमेडियन को गब्बर बनाया फिर भी क्या फायदा, दर फिटे मुँह तेरा। गब्बर का घोड़ा। घोड़ा साइकिल पे? हाँ जब ये गधे कारों में घूम सकते हैं तो घोड़ा साइकिल पे क्यों नहीं घूम सकता। धगड़ 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 धगड़। अर्चना पहन पहली बार देखा कि घोड़ा मुंह से धगड़ 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 कर रहा है। अभी घोड़े का कैरेक्टर दिया है, धगड़ धगड़ ही करूंगा, थबड़ थबड़ थोड़ी ना करूंगा। आखिर घोड़ा और सुरेंद्र में कुछ तो फर्क है। बात सुन मेरी, इस सरदार पे एक्ट हो रहा है उस पे नहीं, समझी? ओ सॉरी ये कैसे हो गया? अब कुछ तो नया करना था, कब तक उस पे एक्ट करते रहेंगे? हाँ, सही है। ये कैसे मरा ये? मारा तो कई बार है लेकिन पहली बार तब मरा था जब स्वप्निल यहाँ पर गब्बर बना था और उसके बाद परेश गब्बर बन गया। इसका साइज देखो जरा, इस साइज के तो वो जूते पहनता था, वो भी कीले अलग से। अगर ये गब्बर हो तो 50-50 कोस दूर बच्चे डरने नहीं थे बल्कि इसका इंतजार करते, आने दो इस बार इसको पकड़ के मारेंगे हम। तो तू क्यों बैठ गया? मैंने तो सोचा घोड़ा कभी बैठता नहीं है। तू साथ नहीं होती है तो एक बैठ जाता है, घोड़ा क्या चीत है। बेटा बेटा पर्सनल मत हो,
एक्ट में लाफ्टर तो आना चाहिए ना। रोहित जी सॉरी, हमने सोचा था इस पर लाफ्टर आएगा, बच्चे को लाइन याद करा दी थी, पता नहीं था ऐसा होगा, स्टेज पे चेंज नहीं कर पाता ये। यहाँ पर घोड़ा बन के आए हो, कोई और काम कर लो, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। बड़ा अच्छा था, सच्ची बोल रहे, अपने हाथों से कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी इसने अपने हाथों से शराब नहीं पी, कभी अपने हाथों से इसने बंदूक नहीं उठाई, कभी अपने हाथों से इसने कोई गलत काम नहीं किया, उसके लिए इसने ठाकुर के हाथ रखे हुए थे। कितना अच्छा है ना, जाते जाते मुझे दे गया, कहते प्लीज ठाकुर को वापस कर देना, क्योंकि मैंने रामलाल को गोली मार दी है, अब उसको प्रॉब्लम होगी। दे दे। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? चचा अपना एक्ट चल रहा है और ऊपर से स्क्रिप्ट हमें परेश भारती की दे दी है। लाफ्टर आ गया, मेरा पार्टनर चेंज हो गया क्या? रोहित जी सिर्फ नंबरों के लिए, सच्चाई कोई नहीं। गब्बर ये तुम्हें क्या हो गया? चचा वो रश्मि है। ये वही है ना जिसके एक्ट में हम इसकी बेइज्जती करते थे? इसकी तरक्की हो गई है चचा, आजकल एंकर बन गई है। वाह बेटी वाह, अब ये सबसे बेइज्जती करवाएगी। चचा देख लो टैलेंट ये भी सुरवीन जितना दिखाती है यहाँ पर। गब्बर यहाँ होता तो कहता हे, 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 ये टांगे मुझे दे दे, ऐसा कहता बेटा। ठीक है चचा टॉपिक चेंज करती हूँ, दुश्मनी चाहे जितनी भी हो मरने पे भी ठाकुर क्यों नहीं आया? बेटा इनसे एक ठाकुर बर्दाश्त नहीं होगा, दूसरा ठाकुर कहाँ से करेंगे? आप सोच रहे होंगे वो कपड़े चेंज करने गई है, मैं स्टैंड अप करूंगी, हंसाऊंगी, मेरा पति मरा आपको चुटकुले सूझ रहे हैं, दो मिनट मौन नहीं रख सकते? रोहित जी आपको खुश कर देती उतनी देर। रोहित जी ऐसी नजर ये रखती है। अच्छा। इसकी स्क्रिप्ट है इसलिए मुझे मजबूरी में रखनी पड़ रही है। ये बहुत बुरा हुआ बहन। नहीं नहीं बहन है, रिहर्सल से तो बेटर ही हुआ है। मैं कब्र की बात कर रही हूँ, बेचारा कितनी जालिम कब्री मिली है। ये तो फिर भी ठीक मिली है, वरना जिसका एक्ट कर रहे ना गबरी ये बनी थी। आप सोचो ये गबरी बनी हो ना तो गब्बर घर में घबराया घबराया घूम रहा था। ये बताओ ये मरा कैसे? तीन तीन बार तू कपड़े चेंज करके आई, मैंने तो बताया कैसे मरा है। फिर ये कहेंगे तू सेम करती है, ये वेरिएशन लाती है, एक बार तू बता मैं भी करेक्टर चेंज करके आती हूँ। अरे लेकिन मुझे कुछ पता नहीं। जितनी बार मैंने बताया ना उसने फोटो में से निकल के खुद बता देना। ओके भाई साहब आप ही बता दीजिए, आप सिर्फ तालियां बजाते हो, ढंग से एक सुनाए ना। नहीं अब क्या करूं, मुझसे तो रोया नहीं जा रहा है, किसी रुदाली को ही बुलाती हूं। रुदाली सब्र करो बहन। अब नहीं होता। नहीं होता तो फिर कपड़े क्यों बदले? साड़ी में गर्मी लग रही थी इसलिए बदल लिए। अच्छा पर्सनल बातें बंद करो, चलो कब्बर की बातें करते हैं। हाँ चलो डांस करें। योगी ये खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, इसको डांस पसंद बहुत था ना, तो चलो फिर अफसोस करें। अब मरा, अब मिली इसकी आत्मा को शांति, आपकी मिली। खत्म हो गया। तो जजेस गब्बर मरा या फिर जिंदा हो गया? एक्ट की शुरुआत जब हुई तो गड़बड़ लग रहा था थोड़ा सा, बट बाद में जब वो एके अंगल साहब का ट्रैक जब शुरू हुआ वहाँ से थोड़ा सा संभला है एक्ट। आई वोंट से इट के बहुत कमाल का एक्ट था, इट वाज एन ओके एक्ट फॉर मी। अर्चना बोथ योर परफॉर्मेंसेज वर वेरी वेरी गुड, आई थिंक अगेन स्क्रिप्ट में कहीं लैकिंग है। It was not a bad act, but not a brilliant act also. चलिए चलते हैं स्कोर्स की तरफ। Points. Eight points. परी
रितेश और भारती का है अपना ही अंदाज, तो चलिए देखते हैं किसकी स्क्रिप्ट मिलती है उन्हें आज। इधर आके बैठिए, आ कहाँ से रही हैं आप? मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। वॉशरूम से? जी। मैडम बता के तो जाना चाहिए था, जयपुर के ऊपर सुड़ने खाम खा पिंक सिटी का रंग चेंज कर दिया आपने। आप बैठिए, आप सीट बेल्ट लगाइए। इसमें तो सीट बेल्ट नहीं है। सीट बेल्ट नहीं है? नहीं। एक सेकंड जरा। इधर बैठ गए मैडम। सीट बेल्ट नहीं ना तो हम पैसेंजर को ऐसे ही चिपका देते हैं। वो तो आप लेडीज है, मैंने थोड़ा आटा लगाया ना तो जेंट्स के नीचे ऐसा पेड़ा रखता हूँ ना मैं, उठ के जाते हैं लच्छेदार पराठा तैयार होता है। होस्टेस पार्वती के साथ कपल बने थे कभी पैसेंजर कभी पायलट। अब देखते हैं परेश और भारती इस फ्लाइट को कैसे उड़ाते हैं। जोरदार तालियां परेश और भारती के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, वोडाफोन एयरलाइंस में आप सबका स्वागत है। इस विमान में हम आपको घर जैसी सुविधा देंगे। अरे घर जैसी सुविधा चाहिए तो कोई यहाँ क्यों आएगा? कभी कभी विमान में ऐसे यात्री भी आ जाते हैं जिनकी ओर आप बिल्कुल मत ध्यान दीजिएगा। आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और किसी भी यात्री ने अगर मुझसे खाने पीने की चीज मांगी तो मैं माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दूंगी। फिर चाहे रोहित हमारे नंबर काट ले। वैसे भी नंबर मिलते कहाँ हैं? ए चुप कर! उड़ान के दौरान विमान की सारी बत्तियां बंद कर दी जाएंगी, किसी ने भी किसी की माँ बहन को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अगर फिर भी कभी किसी का मूड बन जाए छेड़ने के लिए तो आप इसे छेड़ सकते हैं, हमने इसे छेड़ने के लिए बिठाया है। धन्यवाद। हाँ हेलो, हाँ पहली बार हवाई जहाज में बैठा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। क्या मस्त एयर होस्टेस, बिठाइए इधर। एयर होस्टेस इधर है। सर प्लीज आप मुझे अपनी टिकट दिखाइए। हाँ ये देखिए। डफर, ये लॉटरी का टिकट है। हाँ तो मैडम लॉटरी की टिकट में तो मुझे प्लेन की टिकट मिली है। हैं? ये देखो। ये क्या, दो लोगों के लिए 7 दिन फ्री स्टे बैंकॉक में? हाँ जी। दूसरा आदमी कहाँ है? वो नहीं आया, मैं अकेला आया हूँ, अभी मुझे 14 दिन मिलेंगे ना। इडियट, सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खाओ। तो खाना दो। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से सूचना कर दूं कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है और अगर किसी ने खाने के बारे में कुछ कहा तो आप अपनी टूटी हुई पसली के खुद जिम्मेवार होंगे। चुपचाप सीट पर बैठ जाओ क्योंकि जहाज टेक ऑफ होने वाला है। अरे लेकिन सीट बेल्ट क्यों बांधते हैं दीदी? मेरे डांस की वजह से, क्योंकि मैं ऐसा भलता हुआ डांस करती हूँ जिसकी वजह से विमान इधर उधर हो जाता है और सारे यात्री भी इधर उधर हो जाते हैं। लास्ट टाइम वर्मा अंकल शर्मा आंटी की गोद में चले गए थे। आ जाइए शर्मा आंटी। शट अप, पूरी रिमोट पकड़िए। अच्छा, मनोरंजन के लिए ये रिमोट है, आप जो भी चैनल देखना चाहते हैं इसे प्रेस कर सकते हैं। अच्छा, न्यूज कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार में सुदेश लहरी आज डिस्कवरी चैनल। ओ जॉन, ये आजकल मुझे कैसा लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी शक्ल जैसा। खाना, खाना। मैंने क्या कहा था खाने के बारे में? खाने के बारे में पूछे जा रहा है, मत पूछ खाने के बारे में। करवा चौथ का व्रत है। धन्यवाद। तो मुझे खाना खाना मेरी पूरी बात सुनिए ना, क्या है कि सुबह मैंने कुछ ज्यादा खाना खा लिया था तो मुझे क्या वॉमिट हो रही है। उल्टी बात कर, यहाँ पे जहाज पे थैलियां नहीं है, चल उठ कर चल। इतना काम करवाता है ये मेरा पति, निकम्मा खुद तो पायलट बना बैठा है। अब कहाँ मर गए तुम? अरे आ रहा हूँ। क्या कर रही है तू? सारे पैसेंजर भूख से मर रहे, तू खाना क्यों नहीं दे रही उन्हें? अरे भूल गए, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। तो व्रत तेरा है ना, दूसरों को क्यों खाना नहीं दे रही है तू? अच्छा, बड़ी जलन हो रही है। अगर आज मेरा करवा चौथ का व्रत ना होता ना तो सबसे पहले तेरी छाती पे मुक्का मार के तुझे मार देती। तुमने मुझे आज तक काम के सिवा दिया ही क्या है? अच्छा अच्छा, अरे तो तुमने मुझे क्या दिया है? 3 गैंडे जैसे बच्चे पैदा करके दिए मैंने। अरे 3 गैंडों को तूने जंगल में नहीं हवाई जहाज में पैदा किया है। अरे कोई देश सिटीजनशिप देने को तैयार ही नहीं है। चुप कर,
मैं अपने गेंडे बच्चों के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ओहो, कहाँ जा रही हो? खुदकुशी करने? अरे नहीं, किचन में जाके खाना खा के अपना व्रत तोड़ने। मेरा एक बार व्रत टूट जाए फिर देखना मैं क्या क्या तोड़ती हूँ। अरे परेशान हो गया हूँ उससे यार। अरे कोई पैसेंजर खाना मांगता तो गालियां देती है, वेज खाना मांगता तो वेज गालियां देती है, नॉन वेज मांगा तो समझ भी नहीं आता। कभी किसी ने जैन खाना मांग लिया तो क्या करेगी ये? वॉशरूम से? क्या? अरे वॉशरूम जाने से पहले बताना चाहिए था ना। क्यों? वैसे ही गुजरात में इतनी बारिश हो रही है, अहमदाबाद में तो सुनामी आ गया होगा। सुनामी? वो कैसे? अरे क्या वो कैसे, हमारा जो टॉयलेट है ना वो इको फ्रेंडली है, सीधा बाहर। तुम कौन हो? मैं पायलट हूँ। पायलट? हे भगवान, तुम यहाँ तो जहाज कौन चला रहा है? वो मेरा साला चला रहा है। क्या साला? क्यों? अरे टेंशन मत लो, 12 साल का एक्सपीरियंस है उसे। थैंक गॉड। ट्रैक्टर चलाने का। मैं सही टाइम पे पहुंच तो जाऊंगी ना? क्यों? कल मेरी शादी है। नहीं नहीं, तुम तो पहुंच जाओगी, सामान 2 दिन बाद आएगा। ठीक। क्या? हाँ? 2 दिन बाद क्यों? ओहो, सामान ट्रक से आ रहा है तो 2 दिन बाद ही आएगा ना। मेरा सामान ट्रक में आ रहा है? अब देखिए, हमारा जो जहाज है ना उसका हॉर्स पावर कम है, या तो हम तुम्हें ला सकते थे या तुम्हारे सामान को। हॉर्स पावर कम है? हाँ। फिर भी कितना स्मूथ चल रहा है। हाँ, अभी रास्ते पे चलेगा तो स्मूथ ही चलेगा ना। ये जहाज बाय रोड चल रहा है? अरे और नहीं तो क्या। नहीं नहीं, कभी कभी तकनीकी खराबी हो जाती है तो उड़ भी लेता है। ए, साले साले को बोल जहाज रोक, मुझे यहीं पे उतरना है। यहीं पे उतरना? हाँ। कोई बात नहीं। ओ साले साहब, जहाज रोको, मैडम उतरेंगी। हाँ उतरूंगी। जा, जा। देखा देखा कैसे मोटी को गिरा दिया। समझे, मेरा तो मन करता है अपनी बीवी को भी ऐसे धक्के मार के। 2-3 बार कोशिश भी की थी, लेकिन आपने साइज तो देख ली ना, मेरे धक्के से तो हिलती भी नहीं वो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। देखो आज मेरा करवा चौथ है, मैं चांद देखने जा रही हूँ, बाद में तुम्हारा ये मनहूस चेहरा देखना पड़ेगा, इसीलिए यहीं पे खड़े रहना। अरे लेकिन चांद देखने कहाँ जा रही हो? दरवाजा खोल के और कैसे? अरे पागल हो गई क्या? 300 पैसेंजर की जान खतरे में आ जाएगी। अरे वो तो वैसे भी खतरे में रहती है, क्योंकि पायलट तो तुम हो ना। लेकिन अगर मैंने आज चांद ना देखा ना तो तुम्हारी जान खतरे पे आ जाएगी। हा? क्योंकि आज मैंने व्रत रखा है तुम्हारे लिए, समझे? अरे दरवाजा मत खोलो। वाह, कितना अच्छा चांद लग रहा है। अब इस मनहूस का चेहरा देख लूं। हैं? पति उड़ गया, अब मैं व्रत कैसे तोड़ू? मैं तो भूल ही गई थी, रोहित भी है। थैंक्स रोहित। तो अर्चना, कैसी लगी आपको ये हवाई यात्रा? There was a lack of punches. ज्यादा भार था सिर्फ आपके भारीपन पे। वो रिपीट होता नजर आ रहा है, बिकॉज हाउ मेनी टाइम्स कैन यू हियर द सेम जोक्स ऑन फैट? So, I'm a little disappointed. I'm sure you are more disappointed than I am. Rohit? शुरुआत अच्छी थी आप दोनों की, उसके बाद में मुझे लगा आप लोगों की एनर्जी डाउन थी, या कहीं ना कहीं आप लोग ही कन्विंस्ड नहीं थे जो आप लोग कर रहे थे। तो ये कहना कि आप लोग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ये गलत होगा मेरे लिए। आई डोंट ब्लेम यू। अर्चना ने दी है 7 points. कॉमेडी सर्कस की 4 बेस्ट जोड़ियां सुपरस्टार बनने के लिए मारामारी कर रही है, लेकिन अब कोई ऐसा आने वाला है जिसे मारामारी बिल्कुल पसंद नहीं, पर उसकी माँ चाहती है कि वो अंडरवर्ल्ड का डॉन बने। देखें अब माँ की चलती है या बेटे की। आ रही है हमारी सेलिब्रिटी गेस्ट जोड़ी, पवित्र रिश्ता की आई विथ रहमान एस बेटा। हाय 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 हाय, पहली बार इतने सारे मर्दों को खुलने में देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बात शेयर करूं, जरा कान इधर लाओ। सॉरी इतनी पहुंच नहीं, यहाँ तक नहीं आएगा, रहने दो। हाँ मेरी माँ है ना, मेरी माँ मुझे भाई बनाना चाहती है, और मुझे है ना कवि बनना है, कवि।
क्योंकि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, क्योंकि दोनों की सेटिंग दोनों एक साथ सब जगह पहुँचते हैं। ठीक है, अभी है ना मैं जा रही हूँ, मुझे सम्मेलन में जाना है। ठीक है, किधर जा रहे लाए? माँ मुझे जाना होगा सम्मेलन, वहाँ नहीं पहुँचा तो लोग मारेंगे बेलन। तुझे बेलन ही मारना चाहिए नालायक। कितनी बार बोला है कविता मत बोला कर। कुत्रिया, थुकबंदी को थुकबंदी बनाता है। मैंने बोला था वो काम हो गया। हाँ, वो आपने मुझे गाली की प्रैक्टिस कराई थी ना की? मैंने गाली सीख ली। बोलू गाली? बोल। तेरी माँ का वाशी नाका। बोल दूंगी। तेरी माँ का साकी नाका। हाँ, ये सिखाया था मैंने। अरे सबसे पहले स्टेज पे तेरी माँ का साकी नाका मैंने बोला। हाँ। बाद में सबने चोरी किया, मैं बोलूंगा तो बोलेंगे चोरे चोरी करते, मुझे गाली पड़नी नहीं पड़नी। इससे कुछ होता नहीं यार, मेरी समझ में नहीं आता मेरी कोख में कैसे तू पैदा हो गया। अपनी की गई गलती का मुझे दोष देती हो, हर बार खुद ही एक नया पापा इंट्रोड्यूस कर देती हो। अरे किस्मत वाला है, एक एक को एक पापा नसीब नहीं होता। मैंने तेरे लिए विरार से लेके चर्च गेट तक हर स्टेशन पर एक एक पापा रखा है। लगता है आपने बहुत सारे आचार चके हैं, पापा एक एटीएम हर स्टेशन पे खोल के रखे हैं। तोड़ दूंगी ना। अच्छा माँ, मुझे याद आया। हाँ। मैं कौन से एटीएम में पैदा हुआ था? क्या बोला? मतलब मैं कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ था? हाँ, पेपर लाती हूँ। अरे वाह, कितना लकी, मैं पेपर में भी आया था मेरा फोटो। ए टेढ़े मेढ़े। हाँ। जब पैदा होने वाला था। हाँ। तभी तेरा बाप मुझे हॉस्पिटल लेके गया, तभी डॉक्टर ने बोला सीजरीन करना पड़ेगा, तो तेरे बाप ने निकाला चक्कू और डॉक्टर का कर दिया सीजरीन। वो खबर पेपर में आई थी, वो पेपर में नहीं। माँ मुझे नहीं करना, मुझे नहीं जमता, मुझे धंधा नहीं करना। अरे बाबा, मैं कभी पटक जाऊंगी? समझ में नहीं आता। सोचती हूँ मेरी आंखों के सामने तू एक बार सेटल हो जा बेटा। अभी तू एक काम कर। हाँ। तेरे पास घोड़ा है ना? हाँ। घोड़ा? हाँ। वो निकाल। हाँ। जाके किसका मर्डर करके आ। किसका करूं मैम? अरे कर ना किसका भी, देख मैं तेरी शादी बॉबी डार्लिंग से करती हूँ। वाओ, इतना हैंडसम ऑफर है, बहुत अच्छा है, मैं चलेगा। मैम हाँ, एक मिनट आओ। एक सेकंड इसको, लेकिन चला ये क्या, तूने चूहे की पूंछ पकड़ी है? अरे सीधा पकड़। उंगली का जमता नहीं मेरे को। बस। हाँ। तू टपका के आ किसी को, मैं बॉबी डार्लिंग से शादी करवाती हूँ। ठीक है, मैं इसको जाता हूँ, मैं टपका के आता हूँ। ठीक है, गया। देखा, बॉबी डार्लिंग का नाम लिया तो कैसे पाँव लगा के भागा। अभी मेरे समझ में आया एक ग्लैमर हर फील्ड में कैसे काम आता है। ए बूटी 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 बूटी। किसका किया, किसका किया? मैंने जिसको मारा है वो यहाँ पे सबको बहुत फूल देता था। मैंने जिसको मारा है वो यहाँ पे सबको बहुत फूल देता था। माई वो इलाके का सबसे बड़ा नेता था। जा जेल में जा। क्यों? अरे आपने बोला आपकी जेल में पुलिस में सब जगह सेटिंग है, तो मैं क्यों जाऊंगा? जिसके दम पे तुझे बोलती थी उसको ही दम निकाल दिया। अब हमें कौन बचाएगा? बचाने से क्या करना है? क्यों? हमको उधर जाके बैठना है क्या? नहीं। चल उठ। चलो टाइम। तो अर्चना, कैसी लगी आपको ये हमारी गेस्ट जोड़ी? एकदम फर्स्ट क्लास। उषा जी, आपको हमने स्क्रीन पर देखा है, लेकिन पहली बार अवसर मिला है कि आपको स्टेज पर देखूं। बहुत अच्छा लगा। आई लाइक द एक्ट वेरी मच। रहमान, वेलकम बैक। नाइस टू सी बोथ ऑफ यू ऑन स्टेज। थैंक यू, वेरी वेरी एंजॉयबल। रोहित। उषा जी नमस्कार। नमस्ते। आपको जज नहीं कर सकते, आप इतने सीनियर हैं, मतलब हम पैदा नहीं हुए अब तब से एक्टिंग कर रहे हैं, तो आप तो यहाँ हम सबकी माँ हैं। एंड एज यूजुअल जिस तरह से आपने परफॉर्म किया, आपने प्रूव कर दिया कि आप सबकी माँ हैं।
हम मार्क्स तो नहीं दे सकते, आप कंपटीशन में नहीं हैं, लेकिन आपके जैसा कंपटीशन भी नहीं है. सो आई वांट टू गिव यू अ स्माइलिंग ज़ूज़ू. जोरदार तालियां रहमान और उषा जी के लिए. थैंक यू.